सो गाइस, हम एक महीना बाद राजा को मिलने जा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और फटैक फटैक से मैं जा रही थी। हमारी विस्तारा की फ़्लाइट थी बट इसमें विंडो सीट नहीं मिली क्योंकि फ़्लाइट खचाखच भरी हुई थी। बट इसकी बेस्ट सीट लगती है, बैठते ही लोग खाना दे देते हैं। चंडीगढ़ पहुँचते मुझे अपने लगेज का इंतजार था, मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा था कि कब राजा से मिलूँ। हमें लेने आए थे अरबन भैया क्योंकि घर पर कोई और था नहीं जो गाड़ी चला ले, और विवेक ने बैठते गाड़ी खुद चलानी शुरू कर दी। घर जाने से पहले मैं ग्रोसरी स्टोर गई क्योंकि मुझे राजा के लिए बहुत सारा सामान लेना था, जिसको देख के वो एक्साइटेड हो जाता क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी फेवरेट। बट राजा तो हमें देख कितना कंफ्यूज्ड हो गया कि वो मिल ही नहीं रहा था, वो तो अंदर भागने लग गया। फिर कैसे तैसे करके वो बाहर आया, हमें मिला, बट स्टिल वो कंफ्यूज था ये क्या हो रहा है। फिर मैंने राजा को बहुत सारे लालच दिए बट वो नहीं मान रहा था, तो मैंने कहा अच्छा राजा मैं जा रही हूँ। फिर उसने कहा नहीं मम्मा लुता लुता लुता, तो वो थोड़ा हमारे साथ कंफर्टेबल हो गया। उसके बाद मैंने राजा को उसका फेवरेट सामान दिखाया, वो बहुत एक्साइटेड हो गया। फिर क्या था, उसने मुझे मक्खन मारना शुरू कर दिया, मम्मा आप इतने अच्छे हो, आप इतने पाले हो, दादा थैंक यू। सो ये अच्छा दिन था।